हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कॉम्पिटिशंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अपडेट्स हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज 22 अक्टूबर 2019 के करंट अफेयर्स की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कॉम्पिटिशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कॉम्पिटिशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही साथ यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जीके। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट, हु हैज इनॉग्रेटेड कर्नल च्वांग रिंचेन सेतु विच हैज बीन कंस्ट्रक्टेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 14,650 फिट इन द फॉरवर्ड एरिया ऑफ लद्दाख रीजन। 14,650 फिट की ऊंचाई पर लद्दाख एरिया में, लद्दाख क्षेत्र में कर्नल च्वांग रिंचेन सेतु का उद्घाटन किसने किया है? तो वो किया है यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और यह जो सेतु है वह कर्नल च्वांग रिंचेन के उपलक्ष में बनाया गया है, उनकी यादों के उपलक्ष में बनाया गया है, जिन्होंने लद्दाख क्षेत्र में बहुत ही विश्वसनीय और बहुत ही भरोसेमंद कार्य किए थे। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। इंडियन बैंक एसोसिएशन का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो SBI चेयरमैन रजनीश कुमार को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन रजनीश कुमार को। नेक्स्ट, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक निकारागुआ। निकारागुआ में भारत के अगले एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? उपेंद्र सिंह रावत को। हु हैज प्रेजेंटेड द मोस्ट इमिनेंट सीनियर अवार्ड टू द स्कॉलर लीगल ल्यूमिनरी एंड फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के परसराम। तो मोस्ट इमिनेंट सीनियर अवार्ड किसने प्रेजेंट किया है? वाइस प्रेसिडेंट श्री वेंकैया नायडू ने, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। नेक्स्ट, वेयर इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड द इंडिया म्यांमार नेवल एक्सरसाइज कॉल्ड इमनेक्स 2019। कहां पर इंडिया और म्यांमार की संयुक्त युद्ध अभ्यास IMNEX 2019 आयोजित किया जा रहा है? तो वह किया जा रहा है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट, वेयर हैज टू डे लॉन्ग इंडियन आर्मीज सुदर्शन चक्र वाहिनी वार एक्सरसाइज बिगन। भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र वाहिनी वार एक्सरसाइज कहां पर शुरू हुई है? तो यह शुरू हुई है राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में। Who has released the book Brittle Nation in New Delhi? Brittle Nation नामक बुक जो कि नई दिल्ली में रिलीज की गई है, वह बुक किसने रिलीज की है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट, Who have won the badminton mixed double title at the Egypt International 2019 in Cairo? Cairo, Egypt. इजिप्त के कायरो में आयोजित इजिप्त इंटरनेशनल 2019 बैडमिंटन मिक्स डबल टाइटल का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब दो लोगों ने जीता है, वो दो हैं, कुहू गर्ग और ध्रुव रावत ने। नेक्स्ट, हु वॉन ए गोल्ड मेडल इन द मेन्स जूनियर कैरिन इवेंट एट द एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप बींग हेल्ड एट इंचियोन इन साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में आयोजित मेंस जूनियर कैरिन इवेंट की एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप किसने जीती है? तो वो जीती है इंडियन साइकिलिस्ट रोनाल्डो सिंह ने। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट्स ग्रेजुएट डेवलप
यूनिक डिवाइस PM2.5 टू कर्व व्हीकुलर एयर पोल्यूशन। व्हीकल्स के एयर पोल्यूशन मतलब एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए PM2.5 डिवाइस कहाँ के ग्रेजुएट्स ने डेवलप की है, तो वो किया IIT खड़गपुर के ग्रेजुएट्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर के ग्रेजुएट्स ने। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था आज का करंट अफेयर्स GK, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो साथियों, यदि आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो लाइक करें, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है, वो कमेंट बॉक्स में डालें। UV कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसका PDF डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।